प्यारे दोस्तों, फिरौन की लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? क्या फिरौन के बाल और नाखून बढ़ते हैं? फिरौन का पासपोर्ट कब और क्यों बनाया गया? क्या यह सही है कि फिरौन की लाश मिस्र के एक म्यूजियम में रखी हुई है? क्या वो अब भी जिंदा है या मम्मी है? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान ए हमीद में इरशाद फरमाया कि उसकी लाश कयामत तक क्यों रखी जाएगी? इस हवाले से ईसाइयों और यहूदियों का क्या अकीदा है और मुसलमानों का क्या अकीदा है? यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होगा और आज हम आपको फिरौन के गर्क होने और उसकी लाश के हवाले से हैरान करने वाली बात बताएंगे। प्यारे दोस्तों, साल 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था या उनकी लाशें कहाँ हैं या कहीं हैं भी या नहीं। तमाम आसमानी किताबों में इस वकिया का जिक्र तफसील से मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ एक फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। मगर उसके बाद उसका क्या हुआ था, इस बारे में किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात लिखी गई थी जिसकी किसी को समझ नहीं थी। कुरान पाक की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, सो आज हम सिर्फ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत यह है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। दोस्तों, ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूबकर मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फिरौन की लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हुनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमक की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमक की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हुनूत कर दिया। वक्त गुजरता रहा। जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, हत्ता कि फिरौन की हुनूत शुदा लाशें भी जमीन की तहों में गुम हो गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीर और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक्य के तकरीबन 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी इमाम उल अंबिया जनाबे मुहम्मदूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में फिरौन के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और उसी सिलसिले में उस फिरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, मगर वो समझने से कासीर थे कि उस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहां महफूज की गई और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, साल 1871 में जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो साल 1991 को दूसरी ममियों के साथ उसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर साइन के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। उन मम्मियों को बाहरी काहिरा ले गए। जब उन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमीन की याद की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। नाजरीन, ये बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरों ने सारे कदीम और साइंसदान मिस्र की तरफ जाने लगे। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समुद्री नमक की तह जमी हुई थी। उसे उस तस्दीक के बाद उसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। साल 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। जदीद साइंस की राय से उसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए
मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया और उस सिलसिले में फिरौन की मम्मी को फ्रांस ले जाने के लिए फिरौन की मम्मी यानी उस लाश का पासपोर्ट बनाया गया, क्योंकि फ्रांस के अंदर दाखिले के लिए उस वक्त लाश का भी पासपोर्ट बनवाना जरूरी था। जेरे नजर तस्वीर में आप उस वक्त का बनाया हुआ फिरौन का पासपोर्ट देख रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते, खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वजीर और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। उस टीम की सरबराह ही डॉक्टर मोरस ने की। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम आजा का बारीक बीनाई से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समुद्री जर्रात अब भी तक मौजूद है और उसका गोश्त हर रोज ताजा होता है और बढ़ता है, और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरिस के लिए हैरान कुन बात थी। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। उस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरस ने की। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम आजा का बारीक बीनाई से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समुद्री जर्रात अब भी तक मौजूद है और उसका गोश्त हर रोज ताजा होता है और बढ़ता है, और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरिस के लिए हैरान कून बात थी। उसने उस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि उसे बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी इमाम उल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब कुरान मजीद फुरकाने हमीद में तफसील से दर्ज है। उस साइंसदान को इल्म था कि जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। क्यूरियोसिटी के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था, उसने उस मामले में मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरा यूनुस की आयत 90-92 का तर्जुमा लफ्ज़ लफ्ज़ सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकलकर उसकी लाश का हुनूद हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी द्वार में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानिब था और बहुत वाजह था। दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान, मुकाम और मर्तबा है कि उसने फिरौन, जिसने खुदाई का दावा किया और उस परवरदिगारे आलम के मुकाबले में आया, उसकी लाश को कयामत तक अल्लाह ने महफूज किया और रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया।